एक दिन मुंबई शहर में एक इनविजिबल चोर आ गया था, जो किसी को भी दिखाई नहीं देता था, बस सामान उड़ते हुए दिखाई देता था। कोई चोर या सामान के पास नहीं जाता था। पहले दिन उसने एक फ्रिज की चोरी की, दूसरे दिन उसने वॉशिंग मशीन की चोरी की, तीसरे दिन उसने एक मिक्सर ग्राइंडर की चोरी की और चौथे दिन टीवी की चोरी की। तो अब आप सोचिए कि पांचवे दिन चोर इनमें से क्या चोरी करेगा? रेडियो, साइकिल, ओवन और बेड। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। चोर अल्टरनेटिव किचन के सामान की चोरी कर रहा था। पहले दिन फ्रिज, तीसरे दिन मिक्सर ग्राइंडर, तो पांचवे दिन चोर वापस किचन के सामान की चोरी करेगा और इनमें किचन का सामान है ओवन। तो चोर पांचवे दिन ओवन की चोरी करेगा। इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2, यह एक लॉजिकल पजल है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने मैस्टिक से बने हुए दो ट्रायंगल आए हैं, तो इसमें आपको सिर्फ एक मैस्टिक को हिलाकर इन दो ट्रायंगल के 4 ट्रायंगल करने हैं। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसमें तो भैया आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने का था। ये देखिए, हम 4 ट्रायंगल तो कुछ इस प्रकार भी तो कर सकते हैं ना, तो हो गए ना 4 ट्रायंगल। तो चलिए जल्दी से, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो इसे आप ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि इस पिक्चर में कुल कितने साथ हैं। अच्छे से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इस पिक्चर में तो 7 बार है, 6 अंदर है और 1 बड़ा वाला बाहर है, तो टोटल हो गए ना 7 बार। दोस्तों, आपने कितने 7 सोचे थे, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, तो उसका सही जवाब है 28 सितंबर 1907। तो आप में से उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे: राकेश कुमार, आकाश गुप्ता, हर्ष जाधव, कैरी बॉय, सुकृति शर्मा। दोस्तों, आप 5 को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इस साल IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी है, तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर से किस लड़की का नाम बनेगा। तो अच्छे से सोचिए, क्योंकि यह नाम केस करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस लड़की का नाम बनेगा प्रीति। देखिए भाई, सबसे पहले है मटर की फली, जिसे हम पी कहते हैं, और बाद में है आर यानी र, और लास्ट में है टी। तो तीनों मिलाकर हो गया ना प्रीति।
यानी प्रीति। दोस्तों, क्या आपने ये नाम सही गेस किया था क्या? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।